हेलो गाइस, तो एमएस वर्ड का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं एमएस वर्ड में। बेसिकली हम लोग स्टार्टिंग से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपको सबसे पहले लेआउट, पेज साइज, मार्जिनस, फॉर्मेट प्रिंटर का किस तरीके से यूज़ करना है, ग्रामर चेक आपको किस तरीके से करना है, टेक्स्ट हाईलाइट करना होगा या टेक्स्ट कलर होगा, आपको जो है बेसिकली इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर करना होता है एंड उसे बॉर्डरिंग करना होता है, कलरिंग देना होता है। इन सारे टॉपिक के बारे में हम लोग इसी वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, एमएस वर्ड जो है वो उसे ओपन कर लेना है अपने सिस्टम में। एमएस वर्ड जो भी आपके पास में वर्जन होगा, 2010, 2013, 16 जो भी होगा, तो वो उसे आपको ओपन कर लेना। ऑलमोस्ट जो फंक्शंस होते हैं वो सिमिलर होते हैं, सेम होते हैं। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर हमने क्लिक किया है, कंट्रोल एन से भी यहाँ पर आप जो है इसे ओपन कर सकते हो, इसे जूम भी कर सकते हो, जूम आउट भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलने वाला है, यहाँ पर ये जूम आउट हो चुका है एंड ये जूम इन हो चुका है, तो इसे हम लोग सिंपली 100% यहाँ पर रखेंगे। लेआउट के सेक्शन पर आपको चले जाना है, यहाँ से आप साइज जो है इसका सेट कर सकते हो, A4 साइज इसे रख सकते हो। ओरिएंटेशन इसका पोर्ट्रेट आपको रखना है, मार्जिन्स जो है इसे नॉर्मल आपको रखना है। अगर आपको यहाँ पर कस्टम मार्जिन करने के लिए कहा जाए तो कस्टम मार्जिन पर आपको क्लिक करना होगा एंड टॉप में आपको कितना मार्जिन्स यहाँ पर कितना सेंटीमीटर छोड़ना है, बॉटम में, लेफ्ट में, राइट में यहाँ पर आपको दे देना है एंड सिंपली इसे ओके कर देना है। तो अभी हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं, यहाँ पर होम टैब पर आपको रहना है। होम टैब पर अगर आपकी कोई भी टेक्स्ट अगर यहाँ पर इंसर्ट करते हो, मान के चलते हैं कैप्स लॉक में मैंने यहाँ पर स्वप्निल करंट अफेयर्स अगर टाइप कर दिया है, तो इसे टाइप करने के बाद में इसे आपको फॉर्मेटिंग करना है। तो फॉर्मेटिंग में क्या क्या आता है वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले इसे आपको सिलेक्ट कर लेना है, जिस भी टेक्स्ट की आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हो उसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर बेसिकली लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, जस्टिफाइड ये करने के लिए आपको कहा जा सकता है। तो हमने अपने टेक्स्ट को सेंटर अलाइन कर दी है, यहाँ से आप इसे बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, इसे अंडरलाइन भी दे सकते हो। इसका फॉन्ट साइज अगर आपको बढ़ाना है तो यहाँ से आपको इसका फॉन्ट साइज जो है इसे बढ़ाना या घटाना है। इसका जो फॉन्ट का जो स्टाइल होगा उसे भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, जो भी आपको एग्जामिनेशन में कहा गया है उसी हिसाब से। अभी अगर आपको इसे हाईलाइट करने के लिए कहा जाएगा तो फॉन्ट सेक्शन में आपको यहाँ पर दिखेगा एक हाईलाइटर का ऑप्शन, तो यहाँ से आप इसे हाईलाइट कर सकते हो। कलर भी आप यहाँ से इसे चेंज कर सकते हो, जो भी आपको कलर देना है वो कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। फिर इसे हाईलाइट कर देना है तो आप देख पाओगे ये कलर इसका चेंज हो चुका है। इसे हम लोग क्या करेंगे, इसको येलो ही रखेंगे, तो आप देख पाओगे इसका कलर भी यहाँ से आप चेंज करोगे। अभी आपको एग्जामिनेशन में ये तो आपका हो गया है, इसके बाद आपको फिर से लेफ्ट लाइन में चले जाना है एंड फिर से अगर आप यहाँ पर कुछ इंसर्ट करना चाहते हो टेक्स्ट बॉक्स, तो जो भी आपको इंसर्ट करना है तो इंसर्ट टैब पर आपको क्लिक कर देना है एंड यहाँ से आपको टेक्स्ट बॉक्स ले लेना है। टेक्स्ट बॉक्स लेने के लिए आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन में कहा जाता है सिंपल टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर आपको ले लेना है एंड यहाँ पर भी अगर आपको कुछ टेक्स्ट अगर इंटर करना है तो यहाँ पर आप इंटर कर दोगे। इसे इंटर करने के बाद इसे आपको कंट्रोल ए की मदद से सिलेक्ट कर लेना है, होम टैब पर आपको आ जाना है एंड यहाँ से भी इसका अलाइनमेंट आप चेंज कर सकते हो। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलने वाले हैं। बेसिकली आपको इसके क्या करना है, फॉर्मेटिंग इसकी आपको करना है एंड इसे आप यहाँ से ड्रैग इस तरीके से करना है एंड अगर इसे आपको बॉर्डर देने के लिए कहा जाए तो सिंपली आपको यहीं पर सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो फॉर्मेट के सेक्शन पर आपको चले जाना है एंड यहाँ पर जो शेप फिल है, शेप आउटलाइन है, यहाँ पर आपको इसका बॉर्डरिंग आप यहाँ से कलर दे सकते हो, इसका जो साइज़ है यहाँ से बड़ा छोटा कर सकते हो कुछ इस तरीके से एंड अगर इसके शेप में अगर आप कुछ कलर देना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हो। तो बेसिकली इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अभी आपको यहाँ पर इंसर्ट करने के लिए कहा जाए कोई टेबल, तो किस तरीके से करना होगा, इंसर्ट टैब पर आपको चले जाना है एंड यहाँ पर टेबल का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर क्लिक करोगे आप एंड यहाँ पर कितने रोज़ होंगे, कितने कॉलम्स होंगे वो आपको यहाँ पर डिसाइड कर लेना है, जितने भी आपको कहा जाए तो वो आपको देना है। 3x3 का हमने यहाँ पर किए हैं। क्वेश्चन में आपको देखना है किस तरीके से किया गया है, ये भी आप कर सकते हो, इसे भी आप क्रिएट कर सकते हो। इस क्वेश्चन को आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर इस पूरी पीडीएफ को आप डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, टोटल 300 पेजेस का ये बुक होगा जिसमें आपको एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट और एमएस
एक्सेल के यहाँ पर क्वेश्चंस मिलेंगे। ये जो आप यहाँ पर क्वेश्चंस देख पा रहे होंगे ये है एम एस वर्ड के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के कलेक्शंस है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं, तो इन क्वेश्चंस को भी आप यहाँ पर हल कर सकते हो। टेबल किस तरीके से आपको इंसर्ट करना है, किस तरीके के फॉर्मेटिंग के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, वो सारी डिटेल में यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपको फॉर्मेटिंग करना होगा। अभी इस टेबल को आपकी जो लाइंस है इसे और भी डार्क करना है, तो आपको क्या करना है, इसे सबसे पहले आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद में अपने आप ये डिज़ाइन का ऑप्शन जो है ये ओपन हो जाएगा। एंड यहाँ से भी आप देख सकते हो कि डिफरेंट टाइप के यहाँ पर आपको टेबल के ऑप्शन मिलेंगे। तो जिस तरीके की फॉर्मेटिंग हमको कहा गया है वो आपको यहाँ पर करना है। सिंपली यहाँ पर बेसिकली हम लोग क्या लेंगे, जो सिंपल वाला होगा वही हम लोग टेबल यहाँ पर लेने वाले हैं। तो ये सिंपल वाला हो चुका है। इसकी शेडिंग भी आप कर सकते हो, जो कलर आप यहाँ पर देना चाहते हो वो कलर यहाँ से आप दे सकते हो। बॉर्डर का जो स्टाइल है किस तरीके से होगा वो यहाँ पर आप इसको क्रिएट कर सकते हो कुछ इस तरीके से, ठीक है। अगर कुछ मिस्टेक हो जाती है तो कंट्रोल जेड से आप इस मिस्टेक को भी दूर कर सकते हो। अभी फिर से आपको होम टैब पर चले जाना है। और भी इसमें कुछ फॉर्मेटिंग है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि फॉर्मेट प्रिंटर का यूज़ किस तरीके से करना है। तो अभी हमें ये जो टेक्स्ट है कंप्यूटर स्किल टेस्ट, ये किसी और फॉन्ट में लिखा गया है। स्वप्निल करंट अफेयर्स किसी और फॉन्ट में लिखा गया है। यहाँ पर इटैलिक किया गया है, यहाँ पर इटैलिक नहीं है। यहाँ पर अंडरलाइन है, यहाँ पर अंडरलाइन नहीं है। अभी इस जो ये जो टेक्स्ट है कंप्यूटर स्किल टेस्ट, इसे हमें इस तरीके से लिखना है, टाइप करना है, या इस तरीके से इसे बनाना है, तो आपको फॉर्मेट प्रिंटर का यूज़ करने के लिए यहाँ पर कहा जा सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इस टेक्स्ट को आपको सिलेक्ट कर लेना है। एंड फॉर्मेट प्रिंटर यहाँ पर आपको मिलेगा, क्लिपबोर्ड में फॉर्मेट प्रिंटर का यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ से आपको इसे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आप देख पाओगे कि फॉर्मेट प्रिंटर के लिए यहाँ पर आपको एक जो है एरो यहाँ पर मिलेगा एंड एक ब्रश आपको यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। एक ब्रश दिख रहा होगा आपको। तो सिंपली भी क्या करेंगे, कंप्यूटर स्किल टेस्ट को जैसे हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो ये तब्दील हो जाएगा इस फॉर्मेट में। यानी यहाँ पर जो जो फॉन्ट टाइप यूज़ किया गया है, जो साइज यूज़ किया गया है, जो अंडरलाइन है या इटैलिक है, ये सब कुछ यहाँ पर अपने आप ही सिलेक्ट करने के बाद जब आप इसे छोड़ दोगे तो ये अपने आप ही इस तरीके से इसके रूप में ये ढल चुका है। तो इसे ही कहा जाता है फॉर्मेट प्रिंटर। ये हो चुका है, ये सेम टू सेम लग रहा है अभी। अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगर आपने कुछ टेक्स्ट यहाँ पर टाइप किए हुए हो एंड वहाँ पर अगर कुछ मिस्टेक हो जाती है, मान के चलते हैं कुछ हम लोग टाइप कर लेते हैं बेसिकली, यहाँ पर आपने यहाँ पर कोई पैसेज अगर टाइप किए हुए हो एंड यहाँ पर अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक अगर आप कर देते हो, मान के चलते हैं यहाँ पर हम कोई स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे, 2-3 स्पेलिंग मिस्टेक हम लोग यहाँ पर कर देते हैं, तो आप देख पाओगे ये जो है कुछ इस तरीके से आपको ये स्पेलिंग मिस्टेक दिखेगा। तो फिलहाल के लिए हम लोग 3-4 मिस्टेक यहाँ पर कर देते हैं, तो ये रेड में आ चुका है। अभी इसे हल करने के लिए आपको जो है क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि आपको यहाँ पर स्पेल चेक का यूज़ करना है, तो रिव्यू पर आपको क्लिक कर देना है, स्पेलिंग एंड ग्रामर पर आपको क्लिक कर देना है। तो आप देख पाओगे यहाँ पर रिस्की का जो स्पेलिंग है यहाँ पर इस तरीके से दिखा रहा है। अगर आप चेंज ऑल करना चाहते हो तो ये जो चारों यहाँ पर जो मिस्टेक की गई है वो अपने आप ही यहाँ पर चेंज हो जाएंगी। हम लोग यहाँ पर बारी बारी से करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग रिस्की की जो स्पेलिंग है उसे हम लोग चेंज करते हैं। देन टाइप्स की जो स्पेलिंग है यहाँ पर आ जाएगी, इसे भी हम लोग चेंज कर देंगे। देन यहाँ पर देख पाओगे इनपरफेक्शंस, तो इनपरफेक्शंस इस तरीके से लिखा गया है, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है या इस तरीके से भी। तो आपके जो टेक्स्ट में इस तरीके से कहा गया है तो उसी तरीके से आपको यहाँ पर चेंज कर देना है। इम्पार्ट का इस तरीके से, तो इसे कहा जाता है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक जो है हमारे पैसेज में यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ये भी आपका डाउट क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट जो कैंडिडेट के डाउट्स थे, होम टैब पर आपको आना है। अगर आपको यहाँ पर बॉर्डरिंग करना है इस पेज को, तो बॉर्डर करने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली आपको होम टैब पर यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा बॉर्डर का, पैराग्राफ के सेक्शन में आपको यहाँ पर बॉर्डर का यहाँ पर सेक्शन दिखेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। नीचे आ जाना है, बॉर्डर एंड शेडिंग पर क्लिक करना है। पेज बॉर्डर का यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा। बॉक्स अगर आप लेना चाहते हो तो बॉक्स ले सकते हो, या फिर 3D कस्टम शेडो, यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो सिंपली यहाँ पर बॉक्स सिलेक्ट करेंगे, किस टाइप की यहाँ पर बॉर्डर होना चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो जो भी स्टाइल की होगी वो आपको यहाँ पर देना है। मान के चलते हम लोग यहाँ पर सिंपल ही लेते हैं, सिंपल ये वाली। एंड इसका कलर भी आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो,
अगर ब्लू में देना चाहते हो तो ब्लू में आ जाएगी। एंड इसका कितना जो उसका विड्थ होगा वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है एंड ओके बटन पर आप क्लिक कर दोगे तो आप देख पाओगे इसका जो बॉर्डर है पेज का बॉर्डर यहाँ पर लग चुका है। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर पेज नंबर देने के लिए कहा जाएगा, तो कुछ भी अगर आप इंसर्ट करना चाहते हो तो आपको कहाँ पर टैप करना होगा, इंसर्ट टैब पर। इंसर्ट टैब पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर हेडर, फुटर एंड पेज नंबर का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर आप जहाँ पर भी पेज नंबर यहाँ पर देना चाहते हो तो यहाँ पर आपको टॉप में या बॉटम में, तो बॉटम में अगर आप देना चाहते हो तो यहाँ से आप ले सकते हो सेंटर में। एंड यहाँ पर पेज नंबर 1 आ चुका है तो जस्ट ऊपर में कहीं पर भी डबल क्लिक कर देंगे। जब नीचे नीचे पेज नंबर पर सेकंड पेज नंबर पर जाओगे तो आप देख पाओगे यहाँ पर पेज नंबर 2 यहाँ पर आ चुका है। तो ये पेज नंबर 2 पर आ चुके हैं। देन अगर पेज नंबर 3 पर भी आप जाओगे तो पेज नंबर 3 आपको इस तरीके से दिखाएगा। कभी कभी एग्जामिनेशन में आपको यहाँ पर आगे में कुछ लिखने के लिए भी कहा जा सकता है, जैसे कि यहाँ पर पेज अगर हम लोग टाइप करते हैं PAGE पेज 1 को जैसे कि वैसे रखना है ऑफ 1 और बाहर में कहीं भी इंटर कर देंगे तो आप देख पाओगे नीचे में भी पेज 2 ऑफ 1, पेज 3 ऑफ 1 इस तरीके से ये आ जाएगा। नेक्स्ट अभी आपको क्वेश्चन में फुटर देने के लिए अगर कहा जाए तो इंसर्ट सेक्शन पर आपको क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर आपको फुटर का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ से भी आप अपना फुटर यहाँ पर ले सकते हो या फिर रिमूव भी कर सकते हो। तो ब्लैंक हम लोग लेंगे यहाँ पर फुटर एंड यहाँ पर आपको जो टाइप करना है वो यहाँ पर आप टाइप कर सकते हो। तो आप देख पाओगे यहाँ पर ये फुटर इस तरीके से आ जाएगा। बट जब आप फुटर इंटर करोगे तो आपका जो पेज नंबर है वो यहाँ से चला गया है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, फुटर पर क्लिक करेंगे एंड मोर में भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। हम लोग यहाँ पर ऑस्टिन लेंगे जहाँ पर आपको पेज नंबर भी मिल जाएगा एंड इसे आप इस तरीके से सेंटर में कंप्यूटर स्किल टेस्ट भी दे सकते हो एंड ऊपर में आपको इस तरीके से क्लिक कर देना है। तो आप देख पाओगे नीचे में भी ये पेज नंबर के साथ में आपका फुटर भी आ चुका है। अगर आपको इसे किसी और तरीके से अलाइनमेंट करना है तो सिंपली आपको इसे हम लोग यहाँ से निकाल देंगे कंट्रोल एक्स एंड इसे जो है इसका जो अलाइनमेंट है सेंटर आप करना चाहते हो तो सेंटर कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप कुछ और टाइप करना चाहते हो, मान के चलते हैं पेज 1 ऑफ, यहाँ पर हमें कंप्यूटर स्किल टेस्ट लिखना है, तो ये दोनों भी आप इसे इस तरीके से सेट कर सकते हो। तो बेसिकली आपको यहाँ पर रेप्लिका तैयार करना होता है तो आपको ये छोटा मोटा सेटिंग यहाँ पर करना होगा। देन बाहर में कहीं पर भी आपको क्लिक कर देना है, देन बाहर में आपको कहीं पर भी क्लिक कर देना है तो आप देख पाओगे पेज 1 ऑफ 1 ऊपर में आ चुका है, पेज 2 ऑफ 1 यहाँ पर आ चुका है, पेज नंबर 3 ऑफ 1 यहाँ पर आ चुका है एंड यहाँ पर आपका फुटर भी आ चुका है। इसके अलावा आप हेडर भी देना चाहते हो तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर हेडर भी देना है। अभी क्वेश्चन में आपको कभी कभी हाइपरलिंक देने के लिए कहा जा सकता है, तो हाइपरलिंक भी यहाँ पर आपको इंसर्ट, जो भी आप इंसर्ट करना चाहते हो तो आपको इंसर्ट टैब के बारे में पता होना चाहिए। अब मान के चलते हैं कंप्यूटर स्किल टेस्ट पर क्लिक करने के बाद में हमारे कोई लिंक यहाँ पर ओपन होना चाहिए, तो सबसे पहले आपको इसे सिलेक्ट करना होगा, हाइपरलिंक के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है एंड देन जहाँ से भी आप इसे रिडायरेक्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ पर एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज यहाँ पर देना चाहते हो तो वो यहाँ पर आपको इंटर करना है, एड्रेस यहाँ पर आप बेसिकली आपको इंटर करना है। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ इंटर करूँ, ये लिंक अगर मैं देना चाहता हूँ तो सिंपली इसे कॉपी करूँगा एंड देन हमारे डॉक्यूमेंट में यहाँ पर अगर हम इसे पेस्ट करेंगे एंड ओके कर देंगे तो ये हाइपरलिंक में यहाँ पर तब्दील हो चुका है। तो ये जो हमारा टेक्स्ट है इसे हाइपरलिंक में हमने क्रिएट कर दिए है। इसके अलावा भी आपको यहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा है इंसर्ट टैब में आपको इंसर्ट टेबल करना हो सकता है, पिक्चर इंसर्ट करना हो सकता है, हाइपरलिंक, हेडर, फुटर, पेज नंबर या टेक्स्ट बॉक्स तो आपको आएगा ही। इसके अलावा सिग्नेचर के बारे में अगर आपको नहीं पता होगा तो सिग्नेचर के बारे में नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाएंगे। वर्ड आर्ट यहाँ पर आपको लेने के लिए कहा जा सकता है। इक्वेशंस के बारे में मैंने इसके पहले जो वीडियो था वो इक्वेशन के बारे में था, वो भी आपको देख लेना है। यहाँ पर डिफरेंट टाइप के शेप्स यहाँ पर आप इंसर्ट कर सकते हो,
तो कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछे जाते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन हमारे ई बुक में दिए गए हैं एमएस वर्ड के, तो एमएस वर्ड के जो क्वेश्चन है ये एक बारी आपको जो है इसे पढ़ लेना है। जो भी क्वेश्चंस है उसके सॉल्यूशंस भी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, काफ़ी सारे सॉल्यूशंस भी आपको मिलेंगे एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। बेसिक शॉर्टकट कीज़ क्या होती है इसके ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस बन सकती है। स्पेशल कैरेक्टर किस तरीके से आपको टाइप करना है उसके बारे में दिया गया है, बट यहाँ पर वर्ड में आप देखोगे तो स्पेशल कैरेक्टर भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको मोर सिम्बॉल पर क्लिक करोगे तो काफ़ी सारे यहाँ पर आपको कैरेक्टर्स मिलने वाले हैं। तो जो भी आपको डाउट आता है एमएस वर्ड के रिगार्डिंग तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। इसके अलावा और एक बात मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, कभी कभी क्या होता है किसी वर्ड को आपको रिप्लेस करने के लिए कहा जाता है, तो वो भी हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं। होम टैब पर आपको रहना है। अभी मान के चलते हैं वंस को आपको तब्दील करना है किसी और टेक्स्ट में, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे टेक्स्ट में जितने भी वंस लिखे गए हैं यहाँ पर एक बारी लिखे हमने, यहाँ पर भी एक बारी टाइप कर दिए हैं एंड यहाँ पर भी एक बार हमने इसे टाइप कर दिए, तो अभी हमको यहाँ पर तीन बार वंस वंस दिख रहा है। तो सिंपली इसे हम लोग क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद फाइंड का एक ऑप्शन मिलता है एंड रिप्लेस का ऑप्शन मिलता है, तो रिप्लेस पर हम लोग क्लिक करेंगे। तो वंस को जैसे कि हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर रखा है या फिर कॉपी कर रखा है तो यहाँ पर ये आ जाएगा। तो फाइंड व्हाट, तो फाइंड हमें करना है वंस एंड इसे रिप्लेस कर देना है हमें टू से कर देंगे, ठीक है, TWO से इसे हम लोग रिप्लेस करना चाहते हैं। तो रिप्लेस ऑल पे जब आप क्लिक करोगे तो ये तीन बार हमने यहाँ पर वंस लिखे हुए थे तो ये तीनों में ये चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर देख पाओगे टू 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 ये आ जाएगा। फाइंड नेक्स्ट, तो यहाँ पर आप इसे इस तरीके से फाइंड एंड रिप्लेस कमांड का भी यूज़ कर सकते हो। कुछ भी अगर आपको जो PDF में हमारी जो ईबुक है इसमें अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कुछ वर्ड अगर आपको नहीं समझ में आता है, कोई क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आता है तो आपको मुझे पर्सनली मैसेज कर देना है या फिर आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ एंड चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।